लोकसभा की 4 सीटों के लिए आपने उतारे उम्मीदवार, अब केजरीवाल की जीत पक्की। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और वह राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है। इसके मद्देनजर दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पहले ही हो चुकी है, जिसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आपने दिल्ली के लिए सभी 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, उनमें से 3 वर्तमान में आपके विधायक हैं। वहीं हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के लिए भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी ने यहां से सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी की घोषणा के मुताबिक नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार और साउथ दिल्ली सही राम को उम्मीदवार बनाया गया है। 4 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और नेता रहे हैं। इन पर अब पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भरोसा जताया है। इनमें से सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार और सही राम आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने बताया कि पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो इंडिया गठबंधन के लिए सीट जीत सकते हैं। पार्टी ने अभी तक सभी राज्यों में 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए भी जल्द नामों का ऐलान किया जाएगा। महाबल मिश्रा कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं और 2022 के दिल्ली नगर निगम चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्हें पार्टी ने अब पश्चिमी दिल्ली से मैदान में उतारने का फैसला किया है। महाबल मिश्रा पश्चिमी दिल्ली से एक बार सांसद रहे हैं और उसके पहले द्वारका सीट से 3 बार विधायक भी रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के वोटरों पर महाबल मिश्रा की काफी अच्छी पकड़ है और पश्चिमी दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल वोटर भी रहते हैं। महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे और फिलहाल द्वारका सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। इस तरह गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को हरियाणा में से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट मिली है, तो वहीं गुजरात में भरूच और भावनगर लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से आई है। आपने बोटाद के विधायक उमेश मकवाना को भावनगर लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी बनाया है, तो डेडियापाटा से विधायक चैत्र वसावा को भरूच लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है। इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुए समझौते के तहत दोनों ही दल पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आज होने वाली पीएसी में पंजाब की इन 13 सीटों पर भी फैसला लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में कुछ सीटों पर पार्टी अपने मौजूदा विधायकों को भी मौका दे सकती है। वहीं असम में आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, लेकिन उस पर आखिरी फैसला असम में सभी विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए यूनाइटेड अपोजिशन फ्रंट को लेना है। इसके बाद आम आदमी पार्टी अपनी उम्मीदवारों के नाम पर औपचारिक सहमति देगी और दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर पार्टी मंथन करेगी। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।